सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद अब उनके परिवारजन इस केस को सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया यूजर्स आमिर खान और करीना कपूर के फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या होने के बाद लगातार इस केस में नया अपडेट मिल रहा है। एक तरफ जहां इस हत्या के बाद पंजाब सरकार सवालों के घेरे में है, वहीं सिद्धू मूसेवाला के पिता ने अपने बेटे की हत्या के मामले की सीबीआई और एनआईए से जांच कराने की मांग की है। लेकिन अब इसी बीच हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। ट्रेलर लॉन्च के बाद ही फैंस ट्रेलर से काफी ज्यादा निराश नजर आए हैं। यूजर ने लिखा, मुझे ये पीके और धूम 3 के समर का कॉम्बो लगा। दोनों की बॉडी लैंग्वेज सेम, बस शाहरुख खान सर के कैमियो का इंतजार है। यूजर्स ने आमिर खान के आईज एक्सप्रेशन को देख उन्हें मिस्टर बीन की चीप कॉपी बता दिया है। रिमेक बनने से परेशान एक शख्स ने लिखा, अरे भाई ओरिजिनल देखना है, ओरिजिनल डुप्लीकेट नहीं। ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड हो रहा है। यूजर्स ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा रोल में एक्टिंग पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि टॉम हैंक्स को कॉपी करने की कोशिश में आमिर खान फेल हुए। लाल सिंह चड्ढा के ट्रेलर पर लोगों के आई रिएक्शन देखने के बाद तो फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर राह मुश्किल सी नजर आती है। हालांकि अभी किसी नतीजे पर पहुंचना बेमानी होगा। इस फिल्म से एक बार फिर करीना कपूर और आमिर खान की जोड़ी स्क्रीन पर दिखेगी। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मूवी में नागा चैतन्य, मोना सिंह भी अहम रोल में दिखेंगे। फिल्म का निर्देशन अद्वैत चंद ने किया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की वजह सिद्धू मूसेवाला की हत्या है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में यस और नो करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।